नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। सिर्फ अपने पर्स में रख लें ये एक छोटी सी चीज। जी हाँ दोस्तों, इस छोटी सी चीज यानी कि इस एक रुपए के नोट को, यानी कि एक नोट के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इस नोट को अगर आप अपने पर्स में रख लेते हैं तो आपके जीवन ही बदल जाएगा। लेकिन दोस्तों, साधारण से दिखने वाला नोट साधारण ही होता है, उसे असाधारण या फिर चमत्कारी शक्तियों से भरने के लिए आपको कुछ खास उपाय भी करने जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम आपको वही बताएंगे कि आप एक साधारण से दिखने वाले 10 रुपए के नोट को किस प्रकार से चमत्कारी शक्तियों से भर के अपने पर्स में रख लेंगे तो कभी भी आपका पर्स खाली नहीं होगा। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर भी करें। दोस्तों, साधारण सा दिखने वाला एक 10 रुपए का नोट वाकई में एक कागज का बना हुआ एक नोट ही होता है, लेकिन जब भी कभी भगवान की पूजा की जाती है तो उसमें विधिवत रूप से 10 रुपए के नोट का ज्यादातर रूप से इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि 10 और 11 रुपए को बहुत ही प्रभावशाली और शुभ माना जाता है। ज्योतिषीय कार्यों में नोटों का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको नोट के बारे में बता रहे हैं। इस 10 रुपए के नोट को आप असाधारण बना सकते हैं और अपने जेब में, अपने पर्स में हमेशा के लिए रख सकते हैं, जिसे रखने से आपके जीवन में कभी भी बाधा नहीं आएगी, आपका पर्स कभी भी खाली नहीं होगा और आपके पर्स में और आपके घर में रखी हुई तिजोरी में भी कभी भी धन की कोई कमी नहीं होगी। ऐसा माना जाता है कि यह उपाय करने के बाद आपको अपने जीवन में कभी भी मां लक्ष्मी का अभाव नहीं दिखाई देता है, मां लक्ष्मी का साक्षात रूप से आपके घर में स्थायी वास हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में स्थायी वास चाहते हैं माता लक्ष्मी का, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखने के साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। इसके लिए आपको करना यह है कि एक साफ सुथरा बढ़िया सा कड़क सा एक 10 का नोट आप ले और उसके अंदर आप हल्दी की 2 गांठ रख दें। अगर आपके पास हल्दी की गांठ नहीं है तो आप एक चुटकी हल्दी भी रख सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपकी कई परेशानियों को हल्दी दूर करने का काम करती है। माना जाता है कि हल्दी हर मंगल कार्य की शोभा बढ़ाती है, यानी कि हर एक मंगल कार्य हो, शुभ कार्य हो, उसमें हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। और यही नहीं, बृहस्पति ग्रह को मजबूत करके आपके घर में और आपने जहां कहीं भी हल्दी का इस्तेमाल किया है वहां पर धन के आगमन को भी बढ़ाती है। हल्दी जितनी सेहत के लिए लाभप्रद है, उतना ही धार्मिक कार्यों में भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसी कारण से आपको इस 10 रुपए के नोट के साथ इस हल्दी का प्रयोग करना है, ताकि आपका बृहस्पति ग्रह इतना मजबूत हो सके कि आपके घर में रुका हुआ पैसा आने लगे और धन आने के सभी मार्ग खुल जाए। अब आपको करना इस प्रकार से है कि जो आपने एक करारा सा बढ़िया सा एक नोट लिया है, साफ सुथरे नोट को लेकर अपने घर के जहां भी पूजा मंदिर है, जहां भी आप अपने घर में पूजा करते हैं, वहां पर 10 रुपए के नोट को माता लक्ष्मी के चरणों में रख दें और एक चुटकी हल्दी या फिर 2 हल्दी की गांठ जो आपने ली है, आप इन्हें माता लक्ष्मी के चरणों से स्पर्श कराकर उस नोट के ऊपर रख दें। कुछ छींटे गंगाजल के मारने के बाद एक देसी घी का दीपक जलाकर एक गुलाब का फूल माता लक्ष्मी को अर्पित करें। देसी घी का दीपक जब पूर्ण हो जाए तब इस नोट को आप फोल्ड कर लीजिए, यानी कि इसे मोड़ करके अपने पर्स में एक ऐसी जगह पर रख लीजिए कि आप गलती से भी इसे खर्च ना करें। और पर्स में रखने के बाद कुछ समय के लिए आप अपने पर्स को भी माता लक्ष्मी के चरणों में ही छोड़ दें। हो सके तो पूरी रात के लिए छोड़ दें और अगले दिन की सुबह उस पर्स को उठाकर अपने काम धंधे पर, जहां भी आप नौकरी करने जाते हैं या व्यवसाय करते हैं या घर से बाहर जब भी आप जाएं, तो इस नोट वाले पर्स को उठा करके अपने जेब में रख लें और चले जाएं, और उसके बाद हमेशा इस पर्स को अपने साथ ही रखें। आप देखेंगे कि आपका पर्स कभी भी खाली नहीं होगा, बल्कि आपके पर्स की वजह से आपके घर की सभी तिजोरियां भी भर जाएंगी और आपके घर में पैसे आने के चारों तरफ से मार्ग खुल जाएंगे। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली है और अचूक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में ज्यादा धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखें जय बजरंगबली।